उसके बाद जो स्कूल एसोसिएशन ने आज एक रैली का आयोजन किया था, जो रैली शिक्षा अधिकारी लोनी के कार्यालय से चलकर उप जिलाधिकारी श्री खालिद अंजुम लोनी उनके दरबार तक जाने की आखिर इनकी पूरी मांगे क्या है और क्यों इन्होंने रैली का आयोजन किया है, खुद ही नहीं जानते। हमारे साथ परविंदर सामानी है जो स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष है। आपने जो अभी रैली का आयोजन किया है, पूरा क्या मामला बताया? जैसा आप सभी को पता है कि पिछले 10 महीने से विद्यालय फरवरी के महीने में बंद हो गया था और शिक्षकों की हालत बड़ी खराब है और जो भी यूपी के स्कूल हैं वो खास तौर से जो लोनी में, मुरादनगर, कोड़ा और मोदी नगर में वो बजट स्कूल और बड़े छोटे स्कूल हैं, तो उनका जो शिक्षक है और जो प्रबंधक है आज आप आत्महत्या की नौबत पे आ रहे हैं, परंतु सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। सब चीज खोल चुके हैं, बैंक्वेट हॉल खुल गए, सारी चीजें खुल गई, इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, विद्यालय में बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और अभी पिछले दिनों एचटी में एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, उन्होंने भी अपना ये कहा कि जो 18 साल तक का बच्चा है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, परंतु क्योंकि सरकार को यहाँ से कोई रिवेन्यू नहीं मिलती इसलिए सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। बच्चों को सरकार जो भी कहेगी, जो भी नियम तय करेगी, उस नियम का सभी विद्यालय प्रदेश में पालन करेंगे, परंतु हमारी यही मांग है कि भाई शिक्षा सुचारू रूप से चले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारे जो शिक्षक है पिछले जिनको इनके शिक्षकों को इनके हमारे सेल्फ फाइनेंस स्कूल के जो प्रबंधक और प्रधानाचार्य वेतन देते हैं, परंतु क्योंकि यूपी में छोटे स्कूल है और ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, 10% लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, तो 90% जो हमारा बच्चा है वो शिक्षा से वंचित है। जी मेरी रिक्वेस्ट हो योगी से और मोदी से दोनों से इतनी है कि इस टाइम शिक्षक, बच्चा और पेरेंट्स तीनों ही परेशान है, मानसिक से भी, शारीरिक भी और आर्थिक से भी। तो मैं तो इतना ही कहूंगा मोदी और योगी के लिए, जब हमने आपने कही दीवा जला दो, दीवा जलाया, आपने कही रात को ढोल बजाओ, घंटी बजाओ, हमने वो भी बजाई, परंतु हमारा ये उद्देश्य है कि 9 महीने हो चुके हैं, अरे हमारी भी थाली बजवा दो, कम से कम इतना तो कर दीजिएगा, 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है, उसकी थाली बजती है। पिछले 10 महीने से जैसे अभी सादिक जी ने बताया कि स्कूल बंद पड़े हैं, इस कारण हमारे जिला उपाध्यक्ष हजारों प्रबंधक, स्कूल प्रबंधक परेशान है, लाखों शिक्षक परेशान है और जो करोड़ों विद्यार्थी शिक्षा से वंचित है तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस देश में आज ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना खुली हो, जो ना चल रही हो। एक विद्यालय ऐसे हैं कि विद्यालय अभी बंद पड़े हैं और आगे भी कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। तो हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये एक पदयात्रा है और सिर्फ सरकार को ये दिखाने के लिए है कि भाई हम भी परेशान हैं और जल्द से जल्द स्कूल खोल दिए जाए, अन्यथा हम इससे आगे बढ़ के भी आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं, आत्महत्या के कगार पे आज आंदोलन की चेतावनी देते हुए शिक्षक की जिला गाजियाबाद की और लोनी एसोसिएशन के इन्होंने एक रोड शो और शांति पदयात्रा किया और उन्होंने कहा है कि योगी और मोदी जी ने थाली बजवाई थी, हमने थाली और घंटे सभी बजाए थे, अब बारी है कि हमारे भी स्कूल की थाली और घंटे बजवाए। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।